सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एंसिबल यूज़ करके एक रिमोटली एक वेब सर्वर का सेटअप कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप प्लेबुक में कैसे हैंडलर यूज़ कर सकते हो, और हैंडलर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं प्लेबुक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा कंट्रोल नोड है और मेरा जो मैनेज नोड है, मैंने एक EC2 इंस्टेंस लिया है। मैंने अमेज़ॉन का EC2 इंस्टेंस मैंने लिया है। अभी मेरा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो मेरा ANS यूज़र है, जो कि सेंट्रलाइज्ड यूज़र है, जो मैंने सेटअप किया था एंसिबल के लिए। और ये कैसे सेटअप किया था अगर आपको नहीं पता है, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर मैंने यहाँ पे कहीं कार्ट पे ऐड कर दूँगा। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें मेरा एंसिबल का इन्वेंटरी फाइल और एंसिबल का मेरा प्ले वगैरह मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो ये मेरा इन्वेंटरी फाइल है और इसका लोकेशन मैंने ऑलरेडी एंसिबल का जो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका लोकेशन है etc.ansible.cfg। इस पर मैंने मेंशन करके रखा है कि कहाँ से मेरा इन्वेंटरी फाइल वो बाय डिफ़ॉल्ट उठाए। ठीक है, ये सब वीडियोस अगर मैंने मेरा जो एंसिबल का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने ये सेटअप किया यहाँ तक का वीडियो। ये वीडियो देखने से पहले पिछला मेरा 3 वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सेटअप कैसे किया मैंने। अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक प्लेबुक लिखूँगा जिसमें मैं एक वेब सर्वर सेटअप करूँगा, और उसमें मैं एक स्टैटिक वेब पेज लॉन्च करूँगा, एंड उसमें कैसे हम हैंडलर का यूज़ कर सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ play2.yml। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी प्लेबुक आप जब लिखोगे तो उसमें स्टार्टिंग में आपको डैश 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 और एंड में डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर आप आपका जितना भी प्ले लिख सकते हो, जितना भी टास्क इंप्लीमेंट कर सकते हो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो सपोज़ मेरा फर्स्ट टास्क में मैं होस्ट, मेरा होस्ट क्या होगा, सपोज़ ये वेब सर्वर है, तो मैं वेब सर्वर, या मल्टीपल वेब सर्वर्स भी हो सकता है, अभी के लिए मैं एक ही सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वेब सर्वर मेंशन करता हूँ उसको, या फिर मैं वेब मेंशन कर देता हूँ होस्ट को। देन बिकम क्या रहेगा, ट्रू। ठीक है, बिकम ट्रू मतलब आपका जो एग्जीक्यूट होगा एज ए रूट एग्जीक्यूट होगा वो। ठीक है, फाइन। देन आपका नेक्स्ट होगा टास्क्स। अभी मेरा एंसिबल टास्क में स्टार्ट करूँगा, और इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, अगर इंडेंटेशन गलत होगा आपका टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो आप करेक्ट इंडेंटेशन से टास्क इम्प्लीमेंट कीजिए, अदरवाइज आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो टास्क का नाम सपोज इंस्टॉल अपाची और इंस्टॉल HTTPD बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है आप क्या लिखोगे। सपोज इंस्टॉल HTTPD, तो मैं HTTPD पैकेज इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, YAML मॉड्यूल चाहिए। YAML मॉड्यूल पे मैं इंस्टॉल करूँगा पैकेज, कौन सा पैकेज, HTTPD। देन उसका स्टेट क्या होगा, प्रेजेंट, जो कि कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करोगे इसका स्टेट प्रेजेंट या ट्रू करने से वो इंस्टॉल होगा, इसका अगर एब्सेंट करोगे तो अगर कोई पैकेज इंस्टॉल ऑलरेडी है तो उसको अनइंस्टॉल कर देगा। ओके,
देन आपको क्या करना है नेक्स्ट टास्क में, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इस लाइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, जो नेक्स्ट टास्क होगा मेरा उसमें मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय स्टैटिक HTML पेज। ओके, मैं एक स्टैटिक HTML पेज डिप्लॉय करूँगा। अभी मैं कॉपी मॉड्यूल यूज़ करता हूँ। कॉपी मॉड्यूल किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, सपोज़ मेरा पास ऑलरेडी एक वेबसाइट बना हुआ है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करके मेरा रिमोट सर्वर पे ले जाऊँगा। जिस मेरा डिफ़ॉल्ट जो होता है इंडेक्स डॉट HTML होता है, जो डिफ़ॉल्ट HTML पेज हम लोग जब HTTPD पैकेज इंस्टॉल करते हैं उस लोकेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडेक्स डॉट HTML से हम कोई भी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, स्टैटिक वेब पेज को। डेस्टिनेशन जो होगा, डेस्टिनेशन होगा वेयर www.html। ये जो HTML, ये आपका HTTP पैकेज जब इंस्टॉल करोगे तो रिमोट सर्वर पे ये लोकेशन डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है HTTP पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद, उसी लोकेशन पे मैं इंडेक्स डॉट HTML फाइल को कॉपी कर रहा हूँ। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा सारा रिमोट सर्वर पे, कौन से सर्वर पे होगा, वेब, वेब जो ग्रुप होगा या फिर जो भी मैं मेंशन करूँगा वेब करके उसमें इम्प्लीमेंट होगा सारा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या होगा, और एक टास्क मैं लिखता हूँ जिस पे मैं क्या करूँगा, जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया है उसको मैं स्टार्ट एंड एनेबल्ड HTML, ठीक है। तो उसका जो मॉड्यूल होगा, सर्विस मॉड्यूल होगा, ये सारा मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया आपको, आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को। देन उसका एनेबल्ड क्या होगा, यस, तो पैकेज क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, ये फाइल कॉपी हो गया और पैकेज को स्टार्ट एंड एनेबल कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं। एक चीज़ मिसिंग है, मैंने ये HTML इंडेक्स और HTML पेज अभी तक बनाया नहीं है, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और दूसरा ये है कि मैं अपना जो इन्वेंटरी फाइल है माई इन्वेंट, इसमें मैंने कोई होस्ट नेम मेंशन नहीं किया है, तो मेरा जो जिस सॉरी जो मैनेज नोड होगा, मैनेज नोड मेरा ये EC2 इंस्टेंस है, उसको मैं डालता हूँ यहाँ पे। बट मैंने क्या किया था, वहाँ पे Ansible Playbook में मैंने मेंशन किया था जो होस्ट्स है उसका नाम वेब बोल के मेंशन किया था, तो वेब बोल के यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं। या तो आप वहाँ पे ऑल मेंशन करें प्लेबुक में, तो जितना भी होस्ट एंट्रीज होंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या फिर आप कोई ग्रुप का नाम मेंशन करेंगे। तो सपोज़ मैं इस ग्रुप का नाम मेंशन करता हूँ वेब, ये सिंगल सर्वर है बट हम यहाँ पे मल्टीपल सर्वर में ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे क्रिएट करना है इंडेक्स डॉट HTML। तो यहाँ पे एक नॉर्मल HTML का पेज में HTML का पेज में बनाऊंगा और उस पेज में मतलब आपको इम्प्लीमेंट करूँगा, कॉपी करूँगा दूसरे सर्वर्स पे। कलर सपोज ग्रीन, आई एम नॉट श्योर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ HTML में, बट स्टिल कुछ गलती हो तो आप बता देना। माई फर्स्ट अपाची पेज ओके फाइन, स्टाइल हो गया, कलर दे दिया मैंने, कलर दे दिया मैंने ग्रीन, और ये ओके फाइन,
माय फर्स्ट अपाचे पेज। ओके, अभी क्या है, मैं एंसिबल प्लेबुक इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। एंसिबल प्लेबुक और मेरा प्ले का नाम क्या है, प्ले टू। सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ, अगर कोई सिंटेक्स मिस्टेक है तो सिंटेक्स चेक करने के लिए हाइफ़न हाइफ़न सिंटेक्स हाइफ़न चेक, अगर कोई एरर है तो यहाँ पे बता देता। तो मेरा इंडेंटेशन में और प्लेबुक राइटिंग में कोई एरर नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एंसिबल का प्लेबुक रन करेगा सक्सेसफुली। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरली क्या होगा, एस पर माय प्लेबुक वो प्ले एक वेब पोल के ग्रुप में इम्प्लीमेंट होगा, जो कि मेरा एक EC2 इंस्टॉलर सिंगल सर्वर है, और उसमें क्या होगा, HTTPD इंस्टॉल करेगा, देन एक जो index.html फाइल है उसको कॉपी करेगा रिमोट सर्वर, मतलब मैनेज नोड पे, उसके बाद जो सर्विसेज है उसको स्टार्ट करेगा, एनेबल करेगा। तो वहाँ पे जो है डेस्ट इज ओके। तो मैंने आपको यही बताया कि प्लेबुक का सिंटेक्स एरर है, उसका मतलब ये नहीं आपका सक्सेसफुली आपका प्ले रन करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक गलती किया है, गलती ये है कि आप एरर देख सकते हो, मैं जस्ट आपको स्क्रॉल अप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर है, चेंज फॉल्स मैसेज डेस्ट इज रिक्वायर्ड। तो मैंने DES लिखा है, DES से वो आइडेंटिफाई नहीं किया डेस्टिनेशन क्या है, तो उसको मैंने क्या करना पड़ेगा, डेस्ट करना पड़ेगा, डेस्ट DEST। अगेन मैं रन कराता हूँ अपना प्लेबुक, तो फिर से आई थिंक मेरा पिछली बार क्या हुआ था, HTTPD इंस्टॉल हो गया था बट फाइल कॉपी नहीं हुआ, तो ये भी फिर से इंस्टॉल नहीं करेगा, अभी जस्ट फाइल को कॉपी करेगा और उसके बाद का जो टास्क है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एक चीज़ आप याद रखना, एंसिबल प्लेबुक में अगर आप मल्टीपल टास्क लिखते हो तो वो सिक्वेंशियली रन होता है, तो फर्स्ट टास्क अगर फेल हो गया तो बाकी वाले टास्क रन नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड टास्क मेरा फेल हो गया था तो उसका थर्ड टास्क रन नहीं हुआ, फर्स्ट टास्क इंस्टॉल था इंस्टॉल हो गया, सेकेंड टास्क फेल हो गया जो डिप्लॉय का था, तो थर्ड टास्क भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो स्टार्ट एंड एनेबल है, तो डिप्लॉय कर दिया फिर उसके बाद स्टार्ट एंड एनेबल कर दिया, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ कि ये जो लोकेशन है HTML में इंडेक्स फाइल है, यस करेक्ट। अभी मैंने क्या किया, एक वेबसाइट वेब पेज स्टैटिक वेब पेज लॉन्च किया। अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरा ब्राउज़र पे कि वो जो स्टैटिक वेब पेज है वो रेप्लिकेट होता है कि नहीं। ओके, तो ये शो नहीं कर रहा है, माइट बी जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद सर्विस रिस्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप प्लेबुक में सर्विस वाला पोर्शन भी आप डाल सकते हो रिस्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्विस रिस्टार्ट, ओके इसको कॉपी करता हूँ। ओके, और मैंने जैसे बताया इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो इंडेंटेशन अगर गलत है तो आपका प्लेबुक एरर देगा। सर्विस एनेबल HTTP, तो यहाँ पे होगा रीस्टार्ट, रीस्टार्ट HTTPD सर्विस एनेबल नहीं चाहिए। ओके करेक्ट, इसका स्टेट होगा रीस्टार्टेड। लेट्स सी, अभी मेरा वेब एंसिबल रन करा के सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं, देन चेक करते हैं कि मेरा वेबसाइट जो है, जो मैंने स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट किया है वो एक्सेसिबल है कि नहीं। और मैं एक्चुअली जो मेरा EC2 इंस्टेंस है
उस EC2 इंस्टेंस का जो पब्लिक IP है, पब्लिक IP से मैं चेक कर रहा हूँ कि हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ओके, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इंस्टॉल नहीं करेगा, फाइल ऑलरेडी कॉपीड है तो वो कॉपी भी नहीं करेगा, अभी जस्ट सर्विस को रिस्टार्ट करेगा। ठीक है, सर्विस रिस्टार्ट हो चुका है, देखिए डिप्लॉय स्टैटिक वेब वो भी ऑलरेडी ओके दिखा रहा है क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एंड देन रिस्टार्ट के बाद फिर उसको एनेबल नहीं किया है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्ले हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, एक ही टास्क फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है वो रिस्टार्ट का। लेट्स सी, अभी मेरा वेबसाइट, यस अभी देखिए सर्विस रिस्टार्ट होने के बाद, क्योंकि कुछ मॉडिफाइड हुआ है अपने ये वेबसाइट, एक स्टैटिक बनाया है पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद, तो इस वजह से क्या हुआ, सर्विस रिस्टार्ट हुआ है, एनेबल्ड है बट रिस्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस वजह से मेरा वेबसाइट का वो दिखा नहीं रहा था। अभी इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, सपोज़ आपका जो वेबसाइट है ये प्रोडक्शन में है, ठीक है, और अगर आप एंसिबल चलाओगे दूसरे यहाँ पे दूसरे टास्क के साथ, तो उस क्या करेगा, वो सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा, तो उसके हिसाब से आपका आउटेज आ सकता है क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए आपका वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप मेंटेन करने के लिए आप हैंडलर यूज़ कर सकते हैं। तो हैंडलर में क्या होता है, जब भी आपका कुछ नया डिप्लॉयमेंट होगा, ये क्या है, ऑलरेडी एक डिप्लॉयमेंट आप कर चुके हो index.html, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, तब भी आप जब ये प्ले चलाओगे तो ये क्या करेगा, बार बार सर्विस को रीस्टार्ट करेगा, दैट इज़ नॉट गुड। बट आप एक हैंडलर सेट कर सकते हो, हैंडलर क्या करेगा, एक नोटिफाई करेगा अगर अगर प्रोडक्शन में कुछ भी डिप्लॉयमेंट नया डिप्लॉयमेंट होगा तभी वो सर्विस को रीस्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें जो लिखना पड़ेगा हैंडलर्स, और हैंडलर्स क्या होता है, आप जैसे कि एक प्ले लिखते हो, एक टास्क लिखते हो, तो हैंडलर भी एक टास्क के इक्वली होगा, हैंडलर्स जो मतलब हैंडलर नहीं, हैंडलर्स बोलते हैं उसको, ये इंडेंटेशन, एक ऑटो इंडेंटेशन होता है YML पेज का, वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि ऑटो इंडेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं एक YML पेज का, ताकि आपको बार बार ये मैन्युअली चेक ना करना पड़े, इंडेंटेशन के साथ आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो, मतलब कौन सी लाइन से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे बाकी मैं यहाँ इस ये पूरा उठा लेता हूँ कि मुझे यही चीज़ करना है, हैंडलर किस लिए यूज़ करना है, सर्विस को रिस्टार्ट करने के लिए। बाकी देखिए इस टास्क के हिसाब से सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रिस्टार्ट अपाची और रिस्टार्ट HTTP सर्विस, आप जस्ट एक हैंडलर इंप्लीमेंट किए हो, और जहाँ पे आपका रिस्टार्ट होगा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अभी नहीं चाहिए, और इसकी जगह मुझे क्या डालना होगा, एक नोटिफायर जो नोटिफाई करेगा कि आपका रिस्टार्ट ज़रूरी है कि नहीं, नोटिफाई। ठीक है, अभी सॉरी ये होगा, ये जो आपने हैंडलर्स का नाम आप मेंशन करोगे उसी नाम से यहाँ पे आप नोटिफाई करोगे कि ये सर्विस को आपको रिस्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस नाम को आप स्मॉल छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि बेटर यही है रिस्टार्ट HTTP, तो यहाँ पे भी मैं रिस्टार्ट HTTP कर देता हूँ, करेक्ट, ओके लुक्स फाइन। इंडेंटेशन चेक कर लेता हूँ, नोटिफाई रिस्टार्ट HTTP को मैंने कॉल किया यहाँ पे, और हैंडलर्स में हैंडलर्स का नाम है रिस्टार्ट HTTP सर्विस HTTP रिस्टार्टेड, ओके फाइन। अभी इसको मैं सेव करता हूँ, और मेरा जो index.html फाइल है उसमें जाके आई गेस मैंने जो भी कलर वगैरह इम्प्लीमेंट किया है उसने लिया नहीं है, आई एम नॉट श्योर वाई,
कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं जस्ट कुछ चेंजेस किया हूँ वेबसाइट में, आई एम नॉट श्योर अगर ये करेक्टली हुआ तो। और ये प्लेबुक मैं चलाता हूँ, उससे पहले सिंटेक्स चेक, हर बार प्लेबुक चलाने से पहले सिंटेक्स चेक कर लेना ताकि आपका सिंटेक्स करेक्ट रहे। और ये भी मैंने मेंशन किया कि अगर सिंटेक्स आपका करेक्ट रहे इसका मतलब ये नहीं आपका वेब एंसिबल प्लेबुक सक्सेसफुली रन हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैक्टर्स है। आप क्या टास्क मेंशन कर रहे हो, कौन सा सर्विस मेंशन कर रहे हो, और मॉड्यूल कौन सा सही से मेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है। सिंटेक्स सिर्फ चेक करता है कि सिंटेक्टिकली आपका प्लेबुक करेक्ट है कि नहीं। तो सिंटेक्टिकली मेरा एज ए सिंटेक्स वाइज मेरा प्लेबुक करेक्ट है। अभी इम्प्लीमेंट के बाद पता चलेगा कि जितना सर्विसेज और जितना मैंने मॉड्यूल्स या टास्क का नाम लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिर से डिप्लॉय हुआ, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस किया है वो फिर से डिप्लॉय हुआ है। अगर फिर से डिप्लॉय हुआ है तो क्या होगा, ये देखिए रनिंग हैंडलर्स। अगर हैंडलर यूज़ करोगे, अगर डिप्लॉयमेंट पे कुछ चेंज, आपका वेबसाइट पे कुछ चेंजेस होगा तो फिर से सर्विस को रीस्टार्ट करेगा, करेक्ट। अभी मैं चेक करता हूँ उसमें कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। हाँ देखिए मैंने साइज़ बड़ा, कलर तो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बट मैंने साइज़ चेंजेस किया, हेडर वन किया तो ये साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चेंजेस हुआ, इसकी वजह से आपका हैंडलर ने रीस्टार्ट किया सर्विस को। अभी क्या करता हूँ, फिर से मैं प्लेबुक चलाऊंगा और इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं, मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा वेबसाइट में, जस्ट चेक करूँगा कि अभी सर्विस रिस्टार्ट होता है कि नहीं। क्योंकि लास्ट जो प्लेबुक था, मैं जितनी बार रन करूँगा उतनी बार सर्विस को रिस्टार्ट करेगा वो। इंस्टॉल के टाइम पे क्या होगा, इंस्टॉल नहीं करेगा। स्टार्ट एनेबल के टाइम पे स्टार्ट एनेबल नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट है, एनेबल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है तो नहीं करेगा। बट अगर रीस्टार्ट मैंने मेंशन किया है किसी सर्विस को, तो जितनी बार प्लेबुक रन होगा उतनी बार रीस्टार्ट करेगा वो। बट अभी क्या है, मैंने हैंडलर यूज़ किया है, हैंडलर यूज़ करने के बाद क्या हुआ, जब डिप्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस हुआ, जब मैंने वेबसाइट में कुछ चेंजेस किया, तभी उसको उसने नोटिफाई किया है और हैंडलर को रन किया, रिस्टार्ट HTTPD। अगर कुछ चेंजेस नहीं हो, जैसे कि मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं किया डिप्लॉयमेंट में, तो ओके दिखा रहा है, ये स्टार्ट एंड एनेबल भी ओके दिखा रहा है, क्योंकि मैंने मतलब स्टार्ट एंड एनेबल ऑलरेडी है। और आप देखोगे रीस्टार्ट जो है वो उसको कॉल नहीं किया है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो रीस्टार्ट में रीस्टार्ट को कॉल नहीं किया है। तो ऐसे आप हैंडलर को यूज़ कर सकते हैं प्लेबुक में, और ऐसे ही आप प्लेबुक इम्प्लीमेंट कर सकते हो करके आप स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक नहीं, आप डायनामिक, या फिर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई वेबसाइट लॉन्च करना हो दूसरे वेब सर्वर में, या नया माइग्रेशन आपका हो रहा है एक सर्वर से नया वेब सर्वर में, तो उस माइग्रेशन में आप ये प्लेबुक यूज़ करके उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। और आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, तो वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस आया नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और एनसीबल का ट्यूटोरियल मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा उसके साथ। और भी मैं ट्राई करूँगा कि क्लाउड एंड डेवऑप्स का और भी टूल्स के साथ अगर वीडियो बना सकूँ तो मैं पैरेलली बनाता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।